हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा, लेट्स क्रैक नीट यूजी चैनल ओपन एकेडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। बच्चों, सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। बच्चों, यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वहां पर मैंने फिजिक्स टीच किया है। बच्चों, साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कई बार, और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं, और उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। बच्चों, और मैं 20,000 से ज्यादा डॉक्टर अभी मेरे से बन चुके हैं। बच्चों, साथ में 1 लाख स्टूडेंट्स का मेंटर रह चुका हूं मैं। नीट यूजी क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है। बच्चों, नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन जो देता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। बच्चों, अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, और अगर आपके पास आईफोन है ना बच्चों, तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों, अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी क्रैक करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती है, एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर्स के पोल्स अवेलेबल हैं परसेंटेज में, जो आपको ऑफलाइन क्लासरूम जैसी फीलिंग देते हैं। बच्चों, ये पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है बच्चों, यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी के को क्रैक करने के सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, और आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी भी, ये लाइव टेस्ट एंड क्विजेज के थ्रू पता चल जाता है। तो ये दूसरा एडवांटेज है। और तीसरा एडवांटेज है बच्चों, यहाँ के कोर्स स्ट्रक्चर्ड होते हैं, सभी कोर्सेज जीरो लेवल से स्टार्ट होकर स्टूडेंट को टॉप लेवल तक ले जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। जैसे रिपीटर्स वाले बच्चों के लिए अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, ट्वेल्थ के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करें तो अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, इलेवंथ के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन करें तो अलग कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, और एक बार सिलेबस ओवर हो गया ना बच्चों, तो रिविजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है बच्चों। और यहाँ का सिस्टम तब तक साथ बना रहता है जब तक कि आपका नीट यूजी का एग्जाम नहीं हो गया है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है बच्चों, यहाँ एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है और मेनी टाइम लाइव क्लासेस देख सकते हैं, मतलब एक ही चैप्टर को यहाँ पर 50+ एजुकेटर्स अवेलेबल हैं, और जो एजुकेटर आपको अच्छा समझाता है वो चूज कर सकते हैं बच्चों। और लाइव क्लास छूट गई ना तो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होने से आप रिकॉर्डेड कोर्सेज के थ्रू भी इस सिलेबस को ओवर कर सकते हैं। तो ये चार फीचर्स इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को नीट यूजी क्रैक करने के बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं बच्चों। अब ये यहाँ फ्री डेमो क्लासेज है, यहाँ के एजुकेटर बहुत पॉपुलर हैं, फॉलोअर्स व्यूअर्स ज्यादा हैं। अब यहाँ एक महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना बच्चों, तो ये आपका 6,000 रुपीज में मिलेगा तीनों सब्जेक्ट के लिए, परंतु 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना तो कॉस्ट कम हो जाती है, 2500 पर मंथ में अवेलेबल हो जाएगा, और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन तो 1500 रुपीज पर मंथ में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। और मेरा रेफरल कोड यूज करें ना बच्चों, जीएस सर, तो आपको क्या होगा यहाँ 10% डिस्काउंट मिलेगा बच्चों एक्स्ट्रा। तो 1500 वाला 1350 में, मतलब लेस देन 50 रुपीज पर डे, वो भी तीनों सब्जेक्ट का बच्चों। और यहां पर 2500 वाला 2250 में अवेलेबल हो जाएगा, और 6000 वाला 5400 में। हाँ जी बच्चों, और इसके क्या क्या एक्स्ट्रा फायदे हैं इस कोड के, जीएस सर के, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो मिलेगा ही। यहां पर जो कोटा में नोट्स, क्लास के नोट्स हैं, वो पीडीएफ की फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा बच्चों। नेक्स्ट, आपको जो क्वेश्चन बैंक है बच्चों, क्वेश्चन बैंक में क्या क्या एक्सरसाइज 1 इजी क्वेश्चंस की, एक्सरसाइज 2 जिसमें अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस होते हैं जो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, और एक पीवाईक्यू की एक्सरसाइज
प्रीवियस ईयर एम्स और जो नीट के क्वेश्चन से उनका पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। साथ में यहां पर डेली डीपीपी पीडीएफ की फॉर्म में और मेंटर बनूंगा आपका। जब तक नीट यूजी का एग्जाम नहीं हो जाता तो आप मेरे रेफरल कोड को बच्चों में फैला दीजिए। स्टार्ट करते हैं हम वेव्स का, ये सेकंड सेशन है इस चैनल पर। हम ऑलरेडी एक सेशन कल ले चुके थे बच्चों 7 o'clock पर। हाँ जी मनीषा कुमारी जी वेलकम वेलकम बच्चों। हाँ जी छोटा राजन जी वेलकम वेलकम। मनोज मौर्य जी गुड इवनिंग बच्चों। भानु प्रिया गुड इवनिंग बच्चों। ओह सनिका जी जेनी प्रकाश गुड इवनिंग। मनीषा जी वेलकम बच्चों। स्टार्ट करते हैं हम सेशन ये आपका। यस बहुत ही शानदार क्वेश्चन है एम्स 2000 का। पहले आपको टाइम दिया जा रहा है बच्चों। यस गुड इवनिंग बच्चों। बीकी रॉयल जी नेमोदीन अली गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग बच्चों वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रक्षिता जी गुड इवनिंग बच्चों। सृष्टि श्रीवास्तव जी गुड इवनिंग बच्चों। चंदन कुमार जी गुड इवनिंग बच्चों। अनन्या गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अनन्या काले जी अरुण साहू जी गुड इवनिंग बच्चों। चलिए बच्चों चेक कीजिएगा यहां ये आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है वेव का ट्रांसवर्स वेव का। तो इसको कंपेयर करना है बच्चों। थोड़ा इसको क्या करो एक जगह लिख देते हैं अपन। तो सबको पता है y इज इक्वल टू टेन साइन इस पाई को अंदर भेज दो बच्चों। तो 0.02 पाई एक्स माइनस 2 पाई टी हो गया बच्चों। और इससे कंपेयर करना है आपको a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो ये तो आपको पता ही है ना v मैक्सिमम कितना होता है वो भी पार्टिकल का ओमेगा a। याद रखना बच्चों वेव का वेलोसिटी नहीं वो अलग होता है। तो ओमेगा से ये देखो बच्चों इसको दोनों को कंपेयर करें ना हम तो क्या आएगा ये आपके पास है ये ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू 2 पाई आ रहा है बच्चों। तो एक तो यहां 2 पाई भर देंगे और एम्पलीट्यूड कितना है ये टैन है बच्चों तो ये टैन भी भर देंगे। बस खत्म हो गया बच्चों 20 पाई इज द आंसर। सो 20 पाई का वैल्यू सो अप्रोक्स इट इज 62 के आसपास बच्चों 62.8 63 भी चलेगा। हाँ जी बच्चों यस ओहो नईमुद्दीन जी चलिए बच्चों यस आंसर इज 2 बच्चों। छोटा राजन जी वेरी गुड आपने सही आंसर दिया है। अरुण शाहू जी दोनों बच्चों 11, 12 दोनों यस ये तो 11th का है वेव थ्योरी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी को डाउट है तो बोल दीजिए। ये है अगला क्वेश्चन बच्चों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी गिवन है बच्चों। नहीं होगा विशाल रजनट जी आज कल क्लास है 9 बजे। इवनिंग इवनिंग आकाश शाह जी कल है यस। बोलिए बच्चों मनस्वी मिश्रा जी ओहो थैंक यू वेरी मच बच्चों। कौन सी प्लेलिस्ट
कौन सी प्लेलिस्ट? यस मनीषा जी, वेरी गुड वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सारे बच्चे जानते होंगे, क्या होता है बच्चों, 1/2L रूट टी बाई म्यू, एंड म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर डेंसिटी। तो ये सेम है बच्चों दोनों के लिए, 1 g/m³। तो F1 निकालेंगे बच्चों, देखना 1/2L, L का वैल्यू 51.6 सेंटीमीटर है बच्चों, सेंटीमीटर है, -2 लेंगे, ध्यान रखना टेंशन 20 है, और ये ग्राम पर, बोलो ना बच्चों, ग्राम पर, तो 10^-g/m में लिखा हुआ है, तो 10^-3 आएगा। अरे बोलो ना, हाँ जी यस, अब हैंडल करेंगे हम, तो ये 50 मान लो बच्चों इसको, ये आपका 20,000 हो जाएगा, 20,000, तो 10^2 कॉमन आ रहा है, 10^4 हो गया, ये 4 नीचे, और ये √2 बचेगा बच्चों, और ये आपका 51.6। देखो बच्चों ये 20 आता, ये इसको 50 कंसीडर कर सकते हो अप्रोक्स, हाँ जी, यस, 1/3/7 के आसपास आ रहा है बच्चों, यस, हाँ जी, बोलिए ना बच्चों, F2 निकाल लेते हैं ऐसे ही, 1/2L, L की जगह 49, रुको बच्चों 2 गायब रह गया था, ये 2, सॉरी, ये 2 आना था, 49.1 बच्चों, ये आपका वापस, वो तो वही आएगा, 10^4 और √2, क्यों आएगा, क्योंकि टेंशन वही है, मास पर यूनिट लेंथ भी वही है, ये थोड़ा सा वैल्यू बढ़ जाएगा बच्चों, यस, तो आंसर F2-F1 आएगा, सो 144-137, सो इट इज अप्रोक्स 7 बच्चों, यस आंसर इज 3rd बच्चों, बोलिए ना बच्चों, ओके, थर्ड आंसर है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये है अगला क्वेश्चन आपके लिए, यस मोनी गोदारा जी वेलकम, वेरी गुड, आपने सही आंसर दिया था, यस यस, विशाल रजनट जी ने भी, मनीषा जी ने सबसे पहले दिया था बच्चों, ओ साहिब परनीत, I am fine, Mr. Sai Parnit. अच्छा हिंदी इंग्लिश दोनों कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, there is no problem in हिंदी और इंग्लिश, यस यस मनीषा जी, वेरी गुड वेरी गुड, फटाफट आंसर देते हुए मनीषा जी, हाँ जी बच्चों, यस वेरी गुड बच्चों, चेक करना यहां पर, ये फिर वेव का इक्वेशन है बच्चों, चेक करना
आप सबको पता है वेव का इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो भी कौन से डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव। पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने पर क्या होता है, माइनस आएगा, के एक्स माइनस ओमेगा टी होगा बच्चों। तो पहले तो दो ही आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, या तो वन या फिर थ्री, दोनों में से एक चूज करना है बच्चों। एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है तो 0.02 कर देंगे मीटर में। अब क्या दे रखा है बच्चों, एक तो वेलोसिटी गिवन है हमको, वेलोसिटी 128 मीटर पर सेकेंड, पक्का क्या? और दूसरा क्या दे रखा है, 5 कंप्लीट वेव बनाता है 4 मीटर में, तो 5 वेव का 4 मीटर लेंथ लगता है, तो एक का कितना होगा, वो लैम्बडा होगा बच्चों, 4/5। अरे 5 वेव्स आर कंप्लीटेड इन 4 मीटर लेंथ, देन 1 वेव इज कंप्लीटेड एंड 1 वेव लेंथ इज नोन एज द लैम्बडा एंड इट इज द 0.8। 4/5 ही रखो बच्चों। अब k निकाल लो, उसी से पता चल जाएगा कौन सा आंसर है। k इज द 2π/λ एंड इट इज 2 × 3.14 एंड इट इज 4/5 बच्चों। ये 4, ये 5 ऊपर चला गया बच्चों, तो 31.4/4, सो इट इज द फाइनल आंसर, सो डेफिनेटली इट इज 7.85। तो यहीं से पता चल गया है आंसर इज 1। पर ओमेगा भी निकाल सकते हैं बच्चों, देखो ओमेगा क्या होगा, पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लो, एफ एफ लैम्डा इज इक्वल टू वी होता है, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी v/λ, वी आपके पास है 128, बोलो ना, और ये हो जाएगा लैम्डा दे रखा है 4/5, 5 को ऊपर ले जाओ बच्चों। अब ओमेगा 2πf होता है बच्चों, तो 2 × 3.14 × 128 × 5/4 आएगा बच्चों, सोल्व कर सकते हैं आप, 4 से उड़ा दो 128 को, 32 टाइम्स, ये 160 × 2 अप्रोक्स निकालना होता है, तो 320 × 3 है, मतलब 1000 के आसपास, सो 1000 रेडियन पर सेकेंड, इसका यूनिट रेडियन पर सेकेंड है बच्चों, तो ये आंसर जाएगा बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ओहो, ये है अगला क्वेश्चन आपके लिए, चेक कीजिएगा बच्चों। ओहो, करण सिंह जी वेलकम वेलकम, आकांक्षा पांडे जी वेलकम बच्चों, आयुष सक्सेना जी, राहुल जायसवाल जी, वेरी गुड बच्चों। नहीं जी, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दिए जाते यहां, इज नॉट अलाउड ऑफिशियली। यह है अगला क्वेश्चन बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इको रिफ्लेक्टेड वाला साउंड चाहिए। अब इसको बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं बच्चों। यस, विशाल रजनट जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, बहुत अच्छा बच्चों। हाँ जी, यस यस, मनीषा जी वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, करण सिंह जी वेरी गुड। चलिए बच्चों, देखो कई बच्चे इसको 2 स्टेप में करते हैं, मैं दोनों से बता देता हूं आपको। पहले क्या होगा, F1, सबसे पहले तो कौन पास आ रहा है, सोर्स पास आ रहा है, सोर्स पास आ रहा है तो क्या होगा बच्चों,
सोर्स का स्पीड गिवन है तो 330, ये तो साउंड, और V माइनस 330, फॉर्मूला लिखू क्या पहले, F1 V अपॉन V माइनस, क्यों टुवर्ड्स हिल आ रहा है ना बच्चों, तो डिस्टेंस कम हो रहा है, F1 इंटू F, ये लगा रहा हूं, हाँ जी माइनस 30 इंटू F, F कितना है बच्चों 600, पक्का? अब इसको ये किसको सुनाई पड़ रहा है, अब स्टिल स्टेशनरी वो है ऑब्जर्वर कौन है, हिल, तो हिल का इफेक्ट ऊपर आएगा बच्चों, F2 में V प्लस V हिल बोल दीजिए, या वो स्टेशनरी है और जो ऑब्जर्वर है वो मूविंग है, ये ऊपर ऑब्जर्वर का स्पीड ओवर V, और ये F1 यूज करेंगे बच्चों, F1 वहां से भर दीजिए पहले, तो ये आ गया 660, नहीं क्योंकि ये 300 हो जाएगा, 300 से ये 2 टाइम्स 660, यहां पे भर दीजिए कितना हो गया बच्चों 330 प्लस 30 अपॉन 330 इंटू 660, यस, सो इट इज द 360, और ये तो 2 टाइम्स कट गया, तो ये आ गया आपको 360 का डबल, सो आंसर इज 720 बच्चों, पर है ना इसको एक बार में कर सकते हैं बच्चों आप, जब कैसे V प्लस Vs, ये तो ऊपर आएगा, और V माइनस Vs इंटू F, एक बार में भी सोल्व कर सकते हैं, ये F डैश दोनों तरीकों से हैंडल कर सकते हैं बच्चों, टाइम बचाना होता है, नीट में जेई के जैसे हार्ड क्वेश्चन नहीं आते बच्चों, क्यों नहीं आते, वहां 2.5 मिनट चाहिए, 2.5 मिनट मिलता है, और वो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, यहां 1 मिनट से भी कम मिलता है, क्योंकि 1 मिनट तो टोटल मिलता है, उसमें भरना भी होता है की में, सो लेस देन 1 मिनट इज रिक्वायर्ड, सो स्पीड मस्ट बी फास्ट। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों, हाँ जी यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बीट्स वाला फिर आ गया, बीट्स वाला क्वेश्चन बच्चों, एम्स 2006, यस यस वेरी गुड मनीषा जी, फटाफट आंसर देते हुए, वेरी गुड बच्चों, नहीं जी गलत है जी, पहले तो 135 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यस 111, वेरी गुड गलत है जी, चेक कीजिएगा बच्चों कैसे, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसलिए हम देखो 440 प्लस माइनस 5, तो दो आंसर आपके पास है, या तो 435 या 445, अब चेक करना बच्चों 437, तो ये तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से भी कम है, और उससे बीट्स बढ़ रहे हैं, ओरिजिनल से कम है और बीट्स बढ़ रहे हैं, तो ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी आएगी, अरे बोलो ना बच्चों, क्योंकि 437 के साथ 8 बीट्स कौन देगा, या तो 429 या 445, तो दोनों में से कौन मैच कर रहा है, वो आंसर है बच्चों, बोलिए ना बच्चों, अवंतिका राज जी वेरी गुड बच्चों, राहुल जयसवाल जी वेरी गुड बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ाते हैं बच्चों, ये है अगला क्वेश्चन आप सबके लिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ध्यान रखना होता है यहां भी और रे ऑप्टिक्स में भी, रशीदुर रहमान जी वेलकम बच्चों,
मनीषा कुमारी जी, वेलकम बच्चों, फटाफट आंसर दीजिए। गलत है मनीषा जी। यस, नहीं जी, गलत है अवंतिका जी। आंसर इज थर्ड बच्चों। मनीषा जी गलत है इस बार आपका। आंसर इज थ्री थ्री थ्री। यस, क्यों? वेलोसिटी और लैम्डा मीडियम पर डिपेंड करते हैं बच्चों। फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होती है रे ऑप्टिक्स में भी और यहां भी, पता है ना बच्चों? वेलोसिटी मीडियम डिपेंडेंट होती है। यस, वेलोसिटी लैम्डा इज आल्सो डिपेंड ऑन मीडियम। फॉर्मूला पढ़ते हो ना आप सब? ये रहा क्या होता है, वी नॉट अपॉन वी मीडियम इज म्यू। बोलो ना बच्चों, म्यू टाइम्स ऑफ वी मीडियम होता है और लैम्डा भी। क्यों? क्योंकि f कांस्टेंट होता है बच्चों, n, ये n कांस्टेंट होता है, तो ये तो v तो घट जाता है और लैम्डा भी घट जाता है। बोलो ना बच्चों, फ्रीक्वेंसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। बोलिए बच्चों। चलिए जी, ये आंसर है आपका थर्ड। बोलो ना। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है अगला क्वेश्चन आपके लिए। यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। डायग्राम बना लीजिए बच्चों। बोट एंकर इज रॉक्ड बाय वेव्स, क्रेस्ट आर 100 मीटर अपार्ट। बोलिए ना बच्चों। यस यस, मनीषा जी सबसे पहले आंसर देते हुए, वेरी गुड वेरी गुड बच्चे। क्रेस्ट, ये आपके पास वेव्स पता है ना बच्चों? ये वेव्स आएगी तो ये डिस्टेंस गिवन है दो क्रेस्ट के बीच का, ये लैम्डा होता है बच्चों। थोड़ा हिंट दे रहा हूं आपको, तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं आप, उसके बाद ही उसको बाउंस बैक लगेगा। मेरा हाल बहुत अच्छा है जी, रबुल इस्लाम जी एकदम झकास। हाँ जी, आई एम वेरी फाइन। हाँ जी, बोलिए ना बच्चों। v इज इक्वल टू n लैम्डा। लैम्डा पता चल गया है आपको, कितना डिस्टेंस है 100 मीटर, तो n निकल जाएगा इज v बाई लैम्डा। सो व्हाट इज t? 1/t, हमको टाइम पीरियड चाहिए, तो लैम्डा बाई वी। लैम्डा आपके पास है, वी आपके पास है 25। यस, सो इट इज अ 4 सेकेंड। कहां गई जी रबुल इस्लाम जी? नहीं आएंगे एसिका सिंह जी? चलिए बच्चों, सो आंसर इज 3 बच्चों। आंसर 3 है, ऑप्शन 3 है। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बच्चों। मैं बिल्कुल मेरे कमर दर्द होता ही नहीं है बच्चों, मैं दर्द के होता हूं, दर्द मेरे नहीं होता। चलिए बच्चों, ये है शानदार क्वेश्चन।
मैं दर्द के होता हूं, मेरे दर्द नहीं होता। मैं 100 किलोमीटर तक साइकिलिंग करता हूं अभी तो। चलिए बच्चों, कोटा का साइकिलिंग ग्रुप है ना, उसमें साइकिलिंग करता हूं मैं बहुत, 100 100 किलोमीटर। चलिए बच्चों, अपने पढ़ने पे ध्यान देते हैं। चेक कीजिएगा बच्चों, क्या होता है, एक ऑर्गन पाइप क्लोज्ड है। क्लोज्ड है तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, टू एन माइनस वन एन वी बाई फोर एल, बोलो ना बच्चों। और ओड ही आएंगे यहां, ये फ्रीक्वेंसी है, तो एफ नॉट का मतलब है एन इज इक्वल टू वन। तो सारे नोट्स ओड नंबर वाले आएंगे बच्चों। वी बाई फोर एल का वैल्यू गिवन है, थ्री वी बाई फोर एल, ये तो इसकी वैल्यू गिवन है हमको, कितनी, 1500 हर्ट्ज। बोलो ना बच्चों, तो क्या क्या नोट्स आएंगे, 1500, फिर देन इसका थ्री टाइम्स, फिर इसका फाइव टाइम्स, मतलब ये 5V/4L, बोलो ना 75, फिर नाइन की सेवन सेवन, यस, ये देन नाइन, बोलिए ना बच्चों, और कितना, एक और आएगा 11। पर अगर आप, ये आ जाएगा आपका डबल जीरो तो आएगा ही बच्चों, ये हो जाएगा आपका 13 वाला है ना बच्चों, हाँ जी, वो भी आएगा 13V/4L, चेक करना। तो एक और आएगा, ये आएगा 00 5, यस, तो सेवन सेवन एन की वैल्यू, ये एन इज इक्वल टू वन, ये एन इज इक्वल टू टू, एन इज इक्वल टू थ्री, एन इज इक्वल टू फोर, एन इज इक्वल टू फाइव, एन इज इक्वल टू सिक्स, एन इज इक्वल टू सेवन। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या है, पूछा क्या है, ओवरटोन्स, ओवरटोन्स एन माइनस वन होता है, ये पहला ओवरटोन्स, तो ये इसे जीरो बोलेंगे, एन माइनस वन, ये पहला ओवरटोन है, ये एन माइनस वन ओवरटोन्स होते हैं, एनथ हार्मोनिक, हार्मोनिक तो एन होते हैं, एन तो ओवरटोन एन माइनस वन होते हैं बच्चों। तो सात फ्रीक्वेंसी मिली तो 6 ओवरटोन होंगे, बोलो ना। और ऐसा क्यों किया, 20 हर्ट्ज, 1000 से कम क्यों गए, ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज है, तो 20 किलो हर्ट्ज का मतलब 20,000 से नीचे नीचे ही जाएंगे, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। सो आंसर इज 3 बच्चों, यस यस यस, वेरी गुड। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, यह है अगला क्वेश्चन आपके लिए। बोलिए बच्चों, हाँ
हाँ जी ये तो बहुत इजी है बच्चों। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। अभी तो फॉर्मूला लिखा था हमने। ओ यस यस वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। अभी तो फॉर्मूला लिखा था फ्रीक्वेंसी का, एन इज इक्वल टू 1/2L रूट टी अपॉन रो या लैम्डा, ये डिपेंड करता है तो किसके प्रोपोर्शनल है एन, इज रूट टी बच्चों। सो एन स्क्वायर, या डायरेक्ट इसी में वैल्यू भर दो, एन वन अपॉन एन टू इज, बोलो ना बच्चों, एन वन कितना है, डबल द फ्रीक्वेंसी, ये एन है, ये टू एन है, ये टी वन आपका टेन न्यूटन है, टी टू पूछा है, सो एन से एन कैंसिल हो गया, सो स्क्वायर किया तो 10/T2 का वैल्यू 1/4 है बच्चों, तो टी टू अपने आप आएगा कितना, 3। यस वेरी गुड बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये शानदार क्वेश्चन बच्चों। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों। देखिए कौन कौन देता है आंसर। वेरी गुड मनीषा जी, फटाफट आंसर दिया है। वेरी गुड, ये याद रखना चाहिए बच्चों, इंटेंसिटी ये वहां पर भी आता है, रे ऑप्टिक्स वहां भी, इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया और इंटेंसिटी ये एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एफ स्क्वायर, बोलो ना बच्चों, इज एनर्जी, क्यों, एनर्जी अपॉन टाइम, सो एनर्जी इज कॉन्स्टेंट, सो ए स्क्वायर एफ स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, सो ए एफ इज कॉन्स्टेंट, सो डेफिनेटली ए वन एफ वन इज इक्वल टू ए टू एफ टू, खत्म हो गया बच्चों। यहां क्या करेंगे, ए एफ ए इज इक्वल टू ए बी एफ बी, यस बी साइन विद द फ्रीक्वेंसी 1/8 ऑफ ए, ये फ्रीक्वेंसी है एफ, एम्पलीट्यूड ए, ये ए बी पूछा है और ये एफ बाई एट दे रखा है बच्चों, मैं नहीं कह रहा हूं वो कह रहा है, तो बोलो फटाक से एफ एफ कैंसिल, तो ए बी क्या आएगा, 8 times ऑफ ए, ये है कहानी बच्चों। ओहो राहुल जायसवाल जी बोलिए बच्चों, कोई भी डाउट किसी भी तरह का। चलिए बच्चों ये सेकंड, अगले क्वेश्चन पर जा रहा हूं बच्चों, ये है अगला क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन है,
बोलिए बच्चों। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। मनीषा जी, सबने सही आंसर दिया है बच्चों, सबको पता होना चाहिए थीटा वन क्या होता है। मैक्सिमम के लिए थीटा जीरो। ये देखो, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों, कंस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंज और वहां बनती है वाईडीएससी में, कंस्ट्रक्टिव के लिए थीटा जीरो, टू पाई, फोर पाई, इसके मल्टीपल में होना चाहिए, तो इसे कहते हैं टू एन पाई। बोलो ना बच्चों, ये एन का वैल्यू जीरो से शुरू कर दीजिए। डिस्ट्रक्टिव के लिए पाई का फेज डिफरेंस होना चाहिए। बोलो ना बच्चों, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा? यस, पाई, थ्री पाई, फाइव पाई, तो क्या आएगा? टू एन प्लस वन इंटू पाई। और आपको पता होना चाहिए टू पाई इज इक्वल एन टू लैमडा इज इक्वल एन टू टी, तीनों में रिलेशन। उठा के भर दो बच्चों लैमडा का वैल्यू या पाई का वैल्यू भर दो, आप तो इसमें ही भर दो, तो कितना आएगा टू एन प्लस वन, एन पाई की जगह लैमडा बाई टू भर देंगे बच्चों। वो पूछा होता तो एन लैमडा आ जाता। बोलो ना बच्चों, तो कंस्ट्रक्ट, तो आंसर इज फोर, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव पूछा है। चलिए बच्चों, संविधानंद जी आ जाओ जी, ये है अगला क्वेश्चन बच्चों। हाँ जी बिल्कुल, दोबारा कर देंगे जी। 10 में क्या हो गया ऐसा? यस, A1 F1 इज इक्वल टू A2 F2 होगा, एनर्जी कांस्टेंट है बच्चों। आकाश शाह जी, A1 F1 इज इक्वल टू A2 F2 होगा, और कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है। फ्रीक्वेंसी 1/8 टाइम्स घटाई तो एम्पलीट्यूड 8 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा। चलिए अब तो उस क्वेश्चन पे जाते हैं। यस वेरी गुड वेरी गुड, जयसवाल जी, राहुल, मनीषा जी, वेरी गुड बच्चों। क्या होगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला? सबको पता है 1/12 टी बाई म्यू। म्यू क्या है? ये सब कांस्टेंट है, तो एफ किसके प्रोपोर्शनल है? 1/L। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। F1/F2 इज L1/L2, L2/L1, L2/L1। बोलो ना बच्चों, F1 कितना? 800, ये 1000 इक्वल टू। बोलो बच्चों, L2 कितना? 2 पूछा है, L1 दे रखा है 50। सोल्व करो, उड़ा दो। सो L2 इज 8 × 5 सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि वो लेंथ भी सेंटीमीटर में है। यस, बोलिए बच्चों। ओ पटेल साहब, यस आंसर इज सी, वेरी गुड बच्चों। ये है अगला क्वेश्चन।
हो जावेद अहमद जी, वेरी गुड वेरी गुड। मनीषा जी, वेरी गुड वेरी गुड। जुबेर जी, वेलकम वेलकम। राहुल जायसवाल जी, यस वेरी गुड। व्हाट इज द वेव नंबर? इज 1/लैम्डा। वेव नंबर इज 1/लैम्डा, चेक इट। वेव नंबर इज नथिंग, इज 1/लैम्डा। तो चेक कीजिएगा बच्चों, वी इज इक्वल टू एन लैम्डा। सो व्हाट इज एन? इज फ्रीक्वेंसी, इज वी बाई लैम्डा। एंड ये वी, ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी और ये वी बार इज वेव नंबर। अब दोनों साइड 2π से मल्टीप्लाई कर दो, सो 2πn इज 2π वेलोसिटी। एंड वी बार ग्राफ किसमें चाहिए? वी बार, उसको वाई लेंगे बच्चों। ये ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πv। ये वेव नंबर है बच्चों। तो वेव नंबर और ओमेगा में ग्राफ रुको, उल्टा पूछा है, ओमेगा और वेव नंबर में पूछा है, रिलेशन तो आ गया बच्चों, यही बना देते हैं। वाई एक्सिस पे लिया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, लो ये वाई है, ये एम है, कौन, ये पूरा एम है, ये एक्स है, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स। सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन बिकॉज सी इज जीरो, इट इज ओमेगा एंड स्लोप इज 2πv। स्लोप भी पूछ सकता है बच्चों, टेन थीटा 2π वेलोसिटी। यस आंसर इज सेकेंड। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है अगला क्वेश्चन आपके लिए। हाँ जी, चेक कीजिएगा बच्चों। जुबेर हौस, जुबेर जी हाय बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। मनीषा जी शानदार। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, उन्होंने पढ़ा हुआ होगा तो क्यों रुकेंगे, जिसको जरूरत है। आंसर इज टू बच्चों, यस आकांक्षा पांडे जी, बी, जिसको जरूरत है रुकेंगे, नहीं जरूरत है नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये तो PYQ है ना। आंसर इज 1 1 1 की 2 2 2 2 सेकेंड आंसर है बच्चों। अरे कुछ नहीं है, वही वेलोसिटी वाला फॉर्मूला याद करो, कौन सा, गामा पी अपॉन रो। पक्का? क्या, तो गामा मोनो एटॉमिक गैस के लिए पता ही है आपको, तो वो भी कांस्टेंट है, तो वी किसके प्रोपोर्शनल है? 1/√ρ। हमको तो रो से लेना देना है, सो V1/V2 इज इक्वल टू ρ2/ρ1 का रूट आएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब ρ1/ρ2 4 है, तो ρ2/ρ1 1/4 होगा।
सैयद उमेर जी फ्लो में चल रहे हैं आप, अभी अभी आए हो जी। सो आंसर इज 1/2। बच्चों एक बार वेव थ्योरी में ऐसे हम 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं इसी फॉर्मूले पर बेस्ड। फ्लो में हमेशा देखो बच्चों, नीट का एग्जाम इंटेलिजेंसता से ज्यादा प्रैक्टिस का एग्जाम है। कैसा कैसे ये कि आपको 100 तक काउंटिंग आती है, वो तो नर्सरी क्लास में पढ़ ली थी, पर 10 सेकंड में बोल के दिखाओ तो वही जीत पाएगा जो प्रैक्टिस करके जाएगा। इजी आते हैं क्वेश्चन बट प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। इज दैट क्लियर बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यह है अगला क्वेश्चन। प्रैक्टिस गई, हम गए बच्चों, समझ लीजिएगा। ये बार बार पोस्टपोन होने पे प्रैक्टिस चली जाती है, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, बायो में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। स्पीड इज रिक्वायर्ड। एग्जाम में वार्म अप होगे तो नहीं चलेगा। सायरन इमिट कर रहा है बच्चों, एंड गोइंग अवे। यस, मनीषा जी का सही है, तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। स्टेटिक लिस्नर, हमेशा याद रखो बच्चों, सोर्स का इंपैक्ट नीचे आएगा। यस, ये फ्रीक्वेंसी है, वी दे रखा है, नहीं दे रखा तो 330 लेना पड़ेगा। यस, व्हाट इज द आंसर? 330/360। बोलिए बच्चों, उड़ा दो, जीरो से जीरो, 4 से 9 times, ये 20 times, फिर उड़ जाएगा 3, ये 110। सो ये 6-7 times, 6 point something, क्यों 3 से 20, तो 700 से ऊपर। बोलो ना बच्चों, 6 and, ठीक है। यस, आंसर इज थर्ड बच्चों, 286 कहां पर है? 733। सैयद उमेर जी, आंसर इज 3। सोल्व कीजिए आप, मल्टीप्लीकेशन मैं करूं? लो, अच्छा है मल्टीप्लीकेशन, ये 3 से 20 भी उड़ा दो, 6.67 मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, इजी है सबसे। अब पीवाईक्यू में लास्ट बचे हैं ना, इसलिए इजी है। कल फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट कर देंगे हम। बोलिए ना बच्चों, बारह बजे भी क्लास होती है बच्चों थ्योरी की, कल मैकेनिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ाऊंगा 12 बजे। सॉरी, कल तो गॉस लॉ का सेकंड पार्ट शीट पढ़ाऊंगा, शीट में बहुत प्रॉब्लम है बच्चों को, इनफाइनाइट शीट, कल 12 बजे दिन में। सब आमंत्रित हैं,
यूट्यूब पर ही 12 बजे और कल 9 बजे वही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आज क्लास बना दी है। हाँ जी बच्चों, छोटा राजन जी पक्का बच्चों? चलिए तो आगे बढ़ाते हैं, हम चेक करना बच्चों, इजी क्वेश्चन है, किससे कंपेयर करेंगे? यस, वाई इज इक्वल टू ए साइन, बोलिए बच्चों, ये के एक्स प्लस ओमेगा टी, तो के का वैल्यू आपके पास है 62.8, यह आया। अब क्या होता है बच्चों, के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाई के, सो इट इज आंसर। सो 2 × 3.14, एंड के का वैल्यू कितना होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 6.28, ये 10 टाइम्स कटेगा दोनों से, 1/10, सो इट इज द 0.1 यूनिट। बोलिए ना बच्चों, यस, 12 बजे आफ्टरनून में कल गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन, मतलब फर्स्ट क्लास ले चुका हूं गॉस लॉ का एप्लीकेशन का, जिसमें दोनों स्फीयर पढ़ा चुका हूं। टर्बुलेंट फ्लो नहीं जी, कल मेरा गॉस लॉ का क्लास है, कल 15 अगस्त से 12 बजे तो क्लास ले सकते हैं बच्चों, सुबह सुबह मजे कीजिए। ओके, वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, मजे कीजिए। विनोद, वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय बच्चों, आज क्लास नहीं है 9 बजे, आज क्लास नहीं है बच्चों। मंजीत कुमार जी, क्या प्रॉब्लम हुई? हाँ थोड़ा तो परेशानी है बच्चों। ओके, बाय बाय बच्चों, गुड नाइट। ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और ये मेरा GSR कोड याद रखिए। बोलिए ना बच्चों, सारे बच्चे मेरा GSR कोड याद रखिए। हाँ जी, अब ये तो मुझे भी नहीं पता जी, चलिए बच्चों। ओके, बाय बाय बच्चों, बारह बजे कल, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं देते बच्चों यहां, इधर इज नॉट अलाउड।